हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे आई विल टीच यू अकाउंटिंग इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सोनम स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 7,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड अ लोन ऑफ ₹2,00,000 टेकन फ्रॉम बैंक। ओके, एंड ऑन 31 मार्च 2020 हर एसेट्स वर 15 लाख। फाइंड आउट हर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 एंड प्रॉफिट्स मेड और लॉसेस इन अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 1920। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? यू हैव टू फाइंड आउट हर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020। ओके, एंड कैपिटल इज गिवन ऑन 1 अप्रैल 2019। तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग आपको कैपिटल इन अकाउंटिंग इक्वेशन यू हैव लर्न दैट कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल, देन यू हैव टू टेक क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। ओके, हेयर क्लोजिंग एसेट्स आर गिवन 15 लाख। ओके, एंड 2 लाख की लाइबिलिटी है, दैट इज लोन। ठीक है ना, यू हैव टेकन लोन ऑफ ₹2,00,000 फ्रॉम द बैंक। तो 15 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 13 लाख इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट्स मेड और लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल यू हैव फाइंड आउट जस्ट नाउ 13 लाख। ठीक है, और व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 7,50,000। तो यू हैव टू राइट ओपनिंग कैपिटल एज 7,50,000। तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,50,000। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज इफ इन द अबव ए क्वेश्चन पार्ट ए पार्ट सोनम इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,25,000 एंड हैड विड्रॉन 40,000 फॉर पर्सनल यूज, कैलकुलेट प्रॉफिट। तो यहां क्या चेंज हुआ? इसी ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। कैपिटल इज 7,50,000 ओपनिंग कैपिटल एंड लोन इज 2 लाख एंड एसेट्स आर 15 लाख। ओके, तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अभी आपने क्या किया? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और विदड्रॉन 40,000 किया, विदड्रॉ 40,000। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला लगा के, सारी वैल्यूज आपने पुट अप की है। 13 लाख आपको गिवन है, क्या चीज? 13 लाख क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। 40,000 की ड्रॉइंग्स गिवन है एंड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,25,000 एंड 7,50,000 कैपिटल एट द बिगनिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको यहां पे एक चीज समझने की है कि जब भी आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो देखो क्या करोगे आप। ओपनिंग कैपिटल में हमेशा क्या चीज प्लस होती है? प्रॉफिट होगा तो प्लस होएगा, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल होगा तो प्लस होगा, ड्रॉइंग्स होएंगी तो माइनस होएगी। ठीक है, लेकिन जब आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल में रिवर्स करना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल पे एड ड्रॉइंग करोगे, माइनस एडिशनल कैपिटल करोगे और ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट प्रॉफिट। ठीक है, ओके, नाउ आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कोई भी एसेट को लेकर यह बताना है कि कौन सी इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है। तो आपको ट्रांजेक्शन बताना है बेसिकली।
तो ट्रांजेक्शन आपने क्या किया, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, हेयर मशीनरी इज योर एसेट, हेयर मशीन इन दिस ट्रांजेक्शन मशीनरी इज योर एसेट एंड कैश इज योर एसेट. तो इन दिस केस इफ यू आर परचेजिंग मशीनरी तो मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी और कैश विल डिक्रीज बिकॉज यू आर परचेजिंग फॉर कैश. ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल. देखो एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, एसेट भी इंक्रीज होनी चाहिए, ओनर कैपिटल भी इंक्रीज होना चाहिए. तो इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, कैपिटल कैश में लेके आ रहा है, ठीक है. ओके, ही इज इंट्रोड्यूसिंग कैश फॉर कैपिटल. तो यहां पर क्या चीज इफेक्ट कर रही है, एक तो कैपिटल इफेक्ट कर रहा है और दूसरा कैश इफेक्ट कर रहा है. कैश इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ही इज ब्रिंगिंग कैश इन द बिजनेस एंड कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट द सेम टाइम. ओके, नेक्स्ट डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी. यू हैव टू गिव वन ट्रांजेक्शन, ठीक है. तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यहां पर क्या हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश इफेक्ट हो रहा है आपका और क्रेडिटर्स इफेक्ट हो रहे हैं. क्रेडिटर्स आर योर लाइबिलिटी एंड कैश इज योर एसेट. ओके, तो पेमेंट करने से क्या हुआ, कैश विल डिक्रीज एंड क्रेडिटर्स. इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, बाय बाय.